हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के मोमेंट्स का यानी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर नाइन है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बाय बिल ब्राइसन। इसका हम लोग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट करेंगे। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से आप मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। इवन आपको चैप्टर के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज होगा। तो आइए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। यानी सभी चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ, वास्तविक दुनिया में रहना शायद सबसे उत्कृष्ट है। तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आई एम इन शॉर्ट नॉट इजली कन्फ्यूज्ड, यानी संक्षेप में मैं आसानी से भ्रमित नहीं हूँ। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। थ्री नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज एट स्टोर्स एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, यानी यह ईस्टर पर था और हम एक सप्ताह के लिए इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहे थे। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। फोर नंबर क्वेश्चन है, द जीप ऑन द बैग वाज मूविंग स्मूथली, यानी बैग पर लगी जीप सुचारू रूप से चल रही थी। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। फाइव नंबर है, सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स, यानी इसलिए मैंने और अधिक ग्रंट्स के साथ कठिन और कठिन खींच लिया। तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सिक्स नंबर है, आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गेस्ड माई टो ऑन द जीप, यानी मुझे पता चला कि मैंने अपने पैर के अंगूठे को जीप पर लगा लिया है। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। सेवन नंबर है, अब्रप्टली द जीप गेव वे, यानी अचानक जीप ने रास्ता दे दिया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। एट नंबर है, हिज वाइफ सेड टू हिम, यानी उसकी पत्नी ने उससे कहा, आई कैन बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, यानी मैं विश्वास कर सकती हूँ कि तू ऐसा जीविकोपार्जन के लिए करता है। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। नाइन नंबर है, आई नेवर हैव कैटास्ट्रोफीज व्हेन आई ट्रेवल्ड, यानी जब मैं यात्रा करता हूँ तो मेरे पास कभी आपदा नहीं होती। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। टेन नंबर है, आई वॉज ओनली बाई क्लाइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, यानी अपने बगल में बैठे व्यक्ति के पैर में पंजों से ही मैं मुक्त हो पाया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 11 नंबर है, ऑन अनदर ओकेजन आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी, यानी एक अन्य अवसर पर मैंने अपने बगल में बैठी एक प्यारी सी नन्ही सी महिला की गोद में एक शीतल पेय ठोक दिया। तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 12 नंबर है, माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग सम इम्पोर्टेंट लेटर्स, यानी मेरा सबसे बुरा अनुभव तब हुआ जब मैं कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिख रहा था। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। 13 नंबर है, द ऑथर रिटायर टू द लेबोरेटरी वेयर ही डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड, यानी लेखक शौचालय में सेवानिवृत्त हुए जहां उन्होंने पाया कि कलम लीक हो गई थी। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 14 नंबर है, द वॉश्ड हिज माउथ चिन टोंग टीथ एंड गम्स एंड रिमूव्ड ऑल द इंक, उसने अपना मुंह यानी जो ठोड़ी जीभ दांत और मसूड़े धोए और सारी स्याही हटा दी। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर इज ऑन हिज ओन ही डजंट ईट ड्रिंक और लीन ओवर द टाई हिज सोलैस, यानी जब लेखक अकेला होता है तो वह अपने उन सोलैस को बांधने के लिए खाता पीता या झुकता नहीं है। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 16 नंबर है, आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स बाय द वे, यानी वैसे मुझे अपना फ्रिक्वेंट फ्लायर मिल कभी नहीं मिला।
ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 17 नंबर है, ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया द क्लर्क शूक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माय कार्ड एंड टोल्ड मी आई वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक उड़ान में क्लर्क ने अपना सिर हिलाया जब मैं अपना कार्ड प्रस्तुत किया और मुझे बताया कि मैं किसी का भी हकदार नहीं हूँ। ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। 18 नंबर है, द टिकट वाज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन एंड द कार्ड वाज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन। यानी टिकट डब्ल्यू ब्राइसन के नाम पर था और कार्ड बी ब्राइसन के नाम पर था। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। 19 नंबर है, आई वाज्ड डम्बस्ट्रक एज अ थाउजेंड केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रनिंग डाउन इन द फ्लटरिंग कैस्केड। यानी मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि 1000 सावधानी से छांटे गए दस्तावेज एक फड़फड़ाते हुए झरने में बरस रहे थे। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। 20 नंबर है, सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट एट। यानी इसलिए मुझे अपना हवाई मिल नहीं मिला और मैं अभी तक बाली के प्रथम श्रेणी के लिए उड़ान नहीं भरूंगा। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।